पर अकाउंट बन रहा है, ओ नेट में फ्री से अकाउंट बन रहा है, आप बना लो। उसमें ओ प्ले नामक एक मिलेगा गेम, उसको खेलिए, क्रेडिट्स बनेगा, वो आपको आगे चल करके बहुत बड़ा काम देगा। एक क्रेडिट हो सकता है $1 के बराबर हो सकता है। तो अब इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि छोटे मोटे जितने सारे कंपनी हैं उन सभी के कस्टमर यहाँ आ गए हैं, फाउंडर बन गए हैं। अब आप देखें कि इसमें इनकम नहीं आ रहा, फिर भी इंटरेस्ट ले रहे हैं फाउंडर बन करके, अब कुछ लोग रिसेलर बन करके, कुछ कस्टमर बन करके, सारे इधर उधर के लोग जो नेटवर्किंग वगैरह करते थे तो वही सब लोग ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिवेट रहते हैं, तो वो सब लोग इसमें आ चुके हैं। और वो जो कंपनी लोग है वो हाथ मल रही है, भाई अब क्या होगा, अब उसको बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, तो कंपनी धीरे धीरे सारा बंद हो रहा है। कई ऐसे कंपनी है हमने आंखों के सामने, मैंने भी खुद लगाया, हमने भी नुकसान सहा, मेरा भी नुकसान हुआ। कई ऐसे कंपनी है जो आंखों के सामने बंद हो रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? वो कंपनी बंद नहीं होता, लोग काम करते उधर, लेकिन जब होता है कि हमारे पास एक दुकान है और उसके बगल में एक बड़ा दुकान खुल चुका है और उसमें सारा सामान उपलब्ध है और हमसे मतलब जो प्राइस है उसमें अफोर्डेबल प्राइस है या हमारे बराबरी का प्राइस है, लेकिन उसका सामान का क्वालिटी बढ़िया है, तो लोग उसी में जाएंगे, लोग उसी में जाएंगे। आप देखते होंगे कि हमारे जब आप रोड में जाते हैं इधर उधर तो देखते हैं गुपचुप वाले, चाट वाले, छोले वाले रहते हैं, वो ना तो हाथ में हैंड ग्लव्स पहनेंगे ना दस्ताना पहनेंगे, ऐसे हाथ का मैल से जो है वो करते हैं, सब मैल उल सब जाता है चोखा में और गुपचुप खिलाते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाले लोग होते हैं, जो साफ सुथरा लोग होते हैं, वो उसमें गुपचुप खाने के लिए नहीं जाते हैं, उस गंदगी में वो कहाँ जाएंगे? तो एक बड़े बड़े होटल में देखिए, वहां पर माथा में भी पहने हुए रहता है, हेड में अपना लगाए हुए रहते हैं उजला उजला कलर का, जिससे बाल टूट करके कहीं किसी स्वीट्स में ना पड़े, कहीं किसी चीज में पड़े नहीं। हाथ में हैंड ग्लव्स पहनते हैं कि इन्फेक्शन नहीं हो। कोरोना आया, कोरोना आकर के हम सभी लोगों को सबक दिया कि हाथ धो, हैंड ग्लव्स पहनो, उसके बाद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। इधर उधर जाकर के जो है लोग जैसे तैसे हाथ से गुपचुप बेच रहे हैं, चाट बेच रहे हैं, उसी को खा रहे हैं, तो उसमें लोग जाते हैं, अच्छे लोग नहीं जाते हैं। बस मैं यही एग्जाम्पल थोड़ा सा दे रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा जो ब्रांड है, इस ब्रांड में जो अच्छे अच्छे ब्रांड वाले लोग हैं, अच्छे अच्छे कंपनी वाले लोग हैं, वही आएंगे, बाकी बात भेड़िया गदेड़िया ये लोग नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उनको मतलब अच्छा ही नहीं लगेगा, या तो उनको जलन होगा या और कुछ, लेकिन बाद में सब आएंगे। तो इसी कारण यहाँ बड़े, आप देखिए, आपको ये भी नहीं पता है ऑन पैसिव कंपनी क्या कर रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन से, बड़े बड़े कंपनी से वो जाकर के टाइप कर रही है, बात कर रही है कि भैया हमारे पास ओ मीडिया है, ओ मीडिया से हम आपका एक प्रचार कर देंगे, जिसमें हमारे पास ऑलरेडी 14,30,000 ग्राहक है। आपका जो हम प्रचार करेंगे वो 14,30,000 ग्राहक में कन्फर्म है, जाएगा जाएगा जाएगा, कन्फर्म है। तो समझ लीजिए कि 14 लाख में यदि 1 लाख भी आदमी आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा तो आपको कितना बेनिफिट होगा। हाँ ऐसी बात है, हाँ ऐसा ऐसा है सिस्टम, चलो ठीक है। तो वैसे टाइप करके कर रहे हैं। जी जी बोलिए सर। अरे ये कह रहे थे कि कल हमने क्रिएट किया था, पहले जानकारी नहीं थी कि फाउंडर्स को इसमें नहीं एंट्री करना है। हाँ हाँ, लेकिन हमारा उसपे कल 2-3 बार कोशिश की है, उसपे लग रहा है बन गया, क्योंकि सबमिट वाले पे जब जाते हैं तो उसमें हाँ, दिखाते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट, आपका ईमेल आईडी डालते हैं जब। हाँ 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 हाँ, तो क्रिएट हो गया है क्या, उसके बारे में जानकारी चाहिए थी सर। देखिए हमारे जितने सारे टीम हैं उन सबको मैंने पहले ही क्रिएट करिया दिया, आज नहीं आज से 2-3 महीना पहले ही मैंने वो मेल में आईडी बनवा दिया, जिसको हम लोग EKYC के नाम से जानते थे उस समय। तो उसका वीडियो भी मैंने ग्रुप में कई बार भेजा, लोगों को बताया भी, लोगों को गाइड भी किया, और वो पहले बन चुका, हम लोगों का सभी का बन चुका, हम लोगों को चिंता नहीं करना है, बस तो वो अभी नहीं दिखाएगा, अभी चालू नहीं हुआ है, आप मीटिंग ज्वाइन नहीं करते इसलिए आपको नॉलेज नहीं है। हम आज सुबह भी इसके बारे में बताए हैं, आधा 1 घंटा बताए हैं,
कल भी बताए हैं और आज फिर बता रहे हैं। आप मीटिंग ज्वाइन किया करिए, 7 बजे मीटिंग होता है, 7 से 8 जरूर आइए और समय पर आइए। कल भी जुड़े थे आप मीटिंग में? आज सुबह जुड़े थे 10 बजे? नहीं सर, सुबह तो ड्यूटी गए थे, सुबह नहीं। तो उसका वीडियो मैंने भेजा था, वो वीडियो सुने थे? मात्र 10 मिनट में आपको सारा क्लियर हो जाता। लेकिन अब उसमें दिखा रहा लोगी इंजेक्ट, तो उसका मतलब क्या हुआ सर? नो एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को अभी लिखता है ऑलरेडी एग्जिस्ट, हम लोग को लिखता है यू आर फेल्ड, इसलिए अभी हम लोगों के लिए नहीं है। अभी हम लोगों को कोई चिंता नहीं करना है, यहाँ तक कि ओटीपी भी आ जाएगा जीमेल में, ओटीपी डालेंगे, हाँ सबमिट करेंगे, सबमिट नहीं होगा क्योंकि वो हम लोग के लिए है नहीं। आप नए कस्टमर को बोलिए, उनको ज्वाइन करवाइए, उनको बोलिए कि यहाँ पर आईडी बनाए और अपने ग्रुप में जोड़ करके रखिए और उन पर उनको गाइड कीजिए। अब आप, हाँ आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर 2000 रुपया खर्च कर रहा हूँ। इसलिए तो आपसे पूछा कि अगर उसमें हो गया होगा तो हम फाउंडर से कहीं गड़बड़ ना हो जाए कुछ? कैसे गड़बड़ हो जाएगा? मैंने कल बताया था ना कि जिस आदमी का ofounder.net में आईडी लॉगिन हो रहा है, बैक ऑफिस खुल रहा है, उसको कोई भी उसके आईडी को कुछ भी नहीं कर सकता है, कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती है, उसका आईडी सुरक्षित है, मैंने बताया था ना कल। जी जी। तो फिर आप कैसे सोच लिए कि हमारा आईडी गड़बड़ हो जाएगा? नहीं, उससे तो खुल रहा है, वो फाउंडर से खोल रहे हैं तो बस इसी बात को ध्यान देना है कि हम सभी फाउंडर के लिए है वो founders.net। जिस व्यक्ति का वो founders.net से आईडी ओपन हो रहा है, नहीं, सर, उससे नहीं, वो देख पा रहे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गूगल से उससे खुल रहा है, जीमेल से सर, वो फाउंडर से नहीं खुल रहा है। सर इसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ, सभी लोगों के लिए लागू होगा। जो व्यक्ति जीमेल एक बार डाल के उसका ओटीपी लेकर सबमिट कर चुके हैं, वो दोबारा अगर करेंगे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा। इसलिए आपको उसमें, सुनिए एक मिनट, इसलिए आपको उसमें फिर से ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा, फिर से उस पर क्लिक करेंगे दोबारा ओटीपी जाएगा, तब डालेंगे तो उसको लेगा, लेकिन अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है गुरुदेव, बोलिए। उसमें कुछ नहीं करना है? नहीं, अभी कुछ नहीं करना है, आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको अगर यदि और भी कुछ प्रॉब्लम वैसा कुछ समझ में आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा आईडी पासवर्ड, उसको हम चेक कर लेंगे अगर यदि आप संतुष्ट नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पर हमारा भी ओ मेल में आईडी नहीं बना है, हम भी रजिस्टर करने की कोशिश किए, नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी ने घोषणा कर दिया कि ये कस्टमर के लिए है, फाउंडर के लिए नहीं है, और फाउंडर के लिए बहुत जल्द नए सिरे से आने वाला है। जी सर। और मुझे लगता है कि अभी तुरंत फाउंडर के लिए नहीं आएगा, क्योंकि पहले जहां अभी रजिस्टर कराया जा रहा है, अब वहां पर लॉगिन का ऑप्शन देगा, ठीक है, साइन इन का ऑप्शन देगा, वो भी साइन इन कस्टमर के लिए रहेगा, वो साइन इन कर पाएंगे, लॉगिन कर पाएंगे, और लॉगिन करने के बाद वो अपना बैक ऑफिस को, वो अपना प्रोडक्ट को देख पाएंगे, और हम लोगों के लिए तब जा करके कंपनी सोचेगी कि फाउंडर के लिए अब करना है। क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे पास यदि पुराना साइकिल है और 4 दिन के बाद हमें नया मोटरसाइकिल खरीदना है, या एक अच्छा हीरो होंडा का मोटरसाइकिल खरीदना है, या हीरो कोई भी अच्छा, तो हम जो नए पुराने साइकिल है उसके मेंटेनेंस पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। पंचर हो गया, चलो कोई बात नहीं, चलो हवा भरवा लेते हैं, इधर उधर सटवा काम चला लेते हैं, 4 दिन बाद तो मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, अब इस साइकिल का क्या काम, अभी रहने दो इसको, जब काम देगा तो देगा। तो यहाँ पर वही है कि हम लोग ऑलरेडी ग्राहक उसके हैं, ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, ग्राहक है, जो समझिए, कस्टमर है, जो समझिए, हम लोग ऑलरेडी पहले से उपस्थित हैं, अब हम लोग कहीं भी जाने वाले नहीं है और रिफंड लेने वाले हमें नहीं लगता है कि कोई रिफंड अब चाहेगा। तो क्योंकि जो लोग यहाँ पर 9,000-9,500 रुपया लगाए हैं, वो लोग अगर यदि अभी चाहें कि हमारा आईडी 12,000-15,000 में बिक्री हो जाए।